राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस वक्त बोल रही थी उसी समय विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट करके चले गए। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम बताने का मौका नहीं मिलता। किसान आंदोलन 2.0 के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसान संगठनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा है जो प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान ढूंढेगी। बजट को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में विपक्ष के वॉकआउट करने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, माननीय सदस्यों आज बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी और मैंने विपक्ष के नेता को इस उम्मीद से मंच दिया कि नियमों का पालन किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसे एक चाल और रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आम बजट 2024 पर विपक्षी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने राज्यों के साथ भेदभाव किया है। वहीं आज राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा चल रही है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में दो राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य को कुछ नहीं मिला, सिर्फ दो राज्यों की थाली में पकौड़ा दिया गया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आज सेशन का तीसरा दिन है। तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बवाल किया। विपक्ष की नारेबाजी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। नीतीश कुमार ने गुस्से में राजद की महिला विधायक को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि अरे तुम महिला हो, कुछ नहीं जानती हो। अब इसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले उमर खालिद की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वहीं दो दिन पहले न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। बताया गया है कि खालिद की दूसरी जमानत याचिका 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी और निचली अदालत के निर्णय को उमर खालिद ने चुनौती दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को भारी पड़ सकता है। भानु प्रताप के बयान को झामुमो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। तो वहीं झामुमो कार्यकर्ता ने भानु प्रताप के खिलाफ SC ST और IT एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। भानु प्रताप के खिलाफ एक FIR झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र उराव ने गढ़वा के रमना थाने में दर्ज कराई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को स्पष्टीकरण देने के लिए दोपहर 1 बजे श्री अकाल तख्त पहुंचे। 15 जुलाई को तख्तों के लिए साहिबान ने सुखबीर को 15 दिन के भीतर अकाल तख्त पर निजी तौर पर होकर स्पष्टीकरण देने का फरमान जारी किया था। सुखबीर ने एक निमाने सिख की तरह 16 जुलाई को ही अकाल तख्त पर 15 दिनों में पहुंचने की पुष्टि कर दी थी। लोकसभा सदन में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाड़ियों को नौकरी और रिवॉर्ड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की पदक लाओ पद पाओ की नीति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को साल 2021 से कोई कैश रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी भारत का झंडा उठाने के लिए विदेशी खिलाड़ियों से लड़ते हैं, तो उनको सिस्टम और सरकार से लड़ने की जरूरत ना पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश किया है, जिसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में इस बजट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा है कि कल जो बजट पेश हुए उसमें किसान नाम गायब था। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार की अनदेखी जग जाहिर हो चुकी है। सरकार बनने के बावजूद कुछ झूठे वादे करके अपने साथियों को खुश करने का काम किया जा रहा है।